तो सूर्य ग्रहण का सच बता रहे हैं आपको एक पांडे जी और तीन एंकर, क्योंकि हम वो सवाल पांडे जी से आज पूछ रहे हैं। पांडे जी को तो खैर आप जानते हैं, तारुफ की जरूरत नहीं। हम वो 30 सवाल आपके सामने रख रहे हैं जो आपके जहन के सवाल हैं। ना ये वो सवाल बिल्कुल नहीं है सरकारी नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, खाएं कब खाएं नहीं खाएं, ये सवाल बिल्कुल नहीं। ये सवाल वो हैं कि भाई आप सूर्य ग्रहण को लेकर क्यों भ्रांतियां फैला रहे हैं, ज्योतिष आचार्य तमाम तरह की बातें, अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं सूर्य ग्रहण को लेकर या चंद्र ग्रहण को लेकर कही गई जो कि खगोलीय घटना है। क्या ये वाकई डर का कारोबार है जिसमें हर किसी का फायदा हर किसी को दिख रहा है, इसीलिए इस कारोबार में हर कोई हाथ भिगोना चाहता है, इसी को लेकर आज हम सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं सूर्य ग्रहण का सच एक पांडे जी तीन एंकर के साथ। जी हाँ, और हमारा मकसद है आपके मन में जो कंफ्यूजन है ना कि डरें कि ना डरें, डर भी लग रहा है, वहम भी मन में आ गया है, लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि अरे ये क्या बात हुई, ये तो सिर्फ एक खगोलीय घटना है, हम क्यों डरें इससे। चलिए इसी से जुड़े सवाल हम पूछते हैं, बाकी सारे सवाल अपनी जगह है पांडे जी, लेकिन ये बताइए कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में तो दिख नहीं रहा है, तो इसको लेकर इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है? माहौल बना रहे हैं सूर्य ग्रहण में पांडे जी क्या? जब सूर्य ग्रहण किसी जगह पर नहीं दिखता है, बहुत स्पष्ट रूप से शास्त्र कहता है कि जब सूर्य ग्रहण किसी जगह पर नहीं दिखाई देगा तो वहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, यानी मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे, खाने पीने का कोई परहेज नहीं होगा, किसी तरह के नियम कानून को मानने की जरूरत नहीं है, तो किसी तरह का कोई माहौल नहीं बना है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया सूर्य को ग्रहण लगेगा, सूर्य प्रभावित होगा, दुनिया के किसी भी कोने में प्रभावित होगा तो आप भी प्रभावित होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप सूतक में बैठ जाइए कि मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, आप जो चाहिए सो करिए, लेकिन ये जाने रहिए कि सूर्य ग्रहण के बाद अगले 15 दिनों तक या मैक्सिमम 20 दिनों तक इसका असर हम सबके जीवन पर पड़ेगा। जिसके जीवन में सूर्य जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके जीवन पर असर उतना ज़्यादा पड़ेगा, जिसके जीवन में सूर्य जितना कम इंपॉर्टेंट है उसके जीवन में उसका असर उतना कम पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पंडित जी डरने की आप ये कह रहे हैं ना कि कोई बात नहीं है, पॉजिटिव ही रहे। जी हाँ, तो अगला सवाल फटाफट से ले लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन को बुरा दिन माना जाता है, फिर ये क्यों माना जाता है जब आप कह रहे हैं कि डरने की बात ही नहीं है, तो क्या इस दिन कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते, इस सवाल का भी आप जवाब दीजिए। देखो, टेक्निकली सूर्य ग्रहण के दिन कोई अच्छा काम नहीं कर सकते ये कहना सही नहीं होगा। होता ये है कि सूर्य ग्रहण पड़ता है हमेशा अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पड़ता है हमेशा पूर्णिमा के दिन। तो सूर्य ग्रहण जब पड़ता है, चूंकि तिथि अमावस्या की होती है और अमावस्या तिथि को आप जानते हैं कि आकाश बिल्कुल शून्य हो जाता है, अमावस्या तिथि पर सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल 0 डिग्री पे आ जाते हैं, इसलिए जो पॉजिटिव एनर्जी है जिसको सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, कहते हैं ना कि चंद्रमा की रोशनी में प्रेम बिखर रहा है, चंद्रमा की रोशनी में आनंद आ रहा है, या सूर्य जब उग रहा है तो उसकी रोशनी में हम प्रणाम कर रहे हैं। अब अमावस्या को ये संभव नहीं हो सकता कि सूर्य और चंद्रमा दोनों दूर दूर हो जाएं, वो साथ ही में रहेंगे, अंधेरा रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या के दिन शुभ कार्य मत करो। अगर सूर्य ग्रहण अमावस्या के अलावा किसी और दिन पड़ता हो या कभी पड़ने लगे, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, तो उस दिन शुभ कार्य करने में कोई हर्ज नहीं है। ग्रहण की वजह से शुभ कार्य करने के लिए मना नहीं किया गया है, मना किया गया है अमावस्या की वजह से। ठीक है, चलिए एक और सवाल मेरे मन में है पांडे जी, मैं चाहती हूँ पूछूं आपसे। सूर्य ग्रहण के दिन पूजा पाठ करने को कहा जाता है, क्या इसका कोई प्रभाव होता है? पूजा पाठ तो वैसे रोज ही करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है कुमकुम आपका कि सूर्य ग्रहण के दिन पूजा पाठ करने को कहा जाता है क्यों। देखो, होता क्या है, जो हमारे शरीर की तरंगे हैं वो मूलतः 3 ग्रहों से प्रभावित होती हैं। एक पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों मिल करके पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, जैसे अभी चंद्रमा बीच में आ जाएगा, कभी पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर बना रहता है। अब ऐसी दशा में जब 3-3 तरंगे एक साथ एक सीध में आपको प्रभावित करती हैं, तो आपके शरीर में भी विशेष तरह की ऊर्जा का निर्माण होता है, विशेष तरह की एनर्जी बनती है। कारण वही है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा की ताकत। तो उस ताकत की वजह से अगर आप उस समय का इस्तेमाल करें प्रार्थना करने में, पूजा करने में, उपासना करने में, याद रखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दुनिया भर के पुराण पढ़िए, आप ईश्वर की जिस तरह से चाहिए प्रार्थना करिए, आप सामान्य बोलचाल की भाषा में करना चाहते हैं वैसे करिए, मंत्र पढ़ना चाहते हैं मंत्र पढ़िए, स्तुति करिए, जो चाहिए करिए, लेकिन हाँ,
ये समय ऐसा खास समय होता है जिस समय पर अगर आप पूजा उपासना करें, अगर आप प्रार्थना करें, तो ऐसा माना भी गया है और ऐसा देखा भी जाता है कि प्रार्थना के प्रभाव जल्दी आते हैं। पंडित जी, टेलीविजन स्क्रीन पर भी एक सवाल आ रहा है कि क्या सूर्य ग्रहण गर्भवती महिलाओं पर, जब आप कह रहे थे कि असर छोड़ता है तो उन्हें खाना पीना नहीं चाहिए, तो क्या सूर्य ग्रहण बाकी महिलाओं पर कोई असर नहीं दिखाता या पुरुषों पर नहीं दिखाता, पार्शियलिटी करता है? ये सवाल बीच में रह गया था। पार्शियलिटी करता है? नहीं, बिल्कुल सूर्य ग्रहण पार्शियलिटी नहीं करता है। पार्शियलिटी तमाम ऐसे विद्वान करते हैं जिनको कौन किसने ज्ञान दिया है वो परमात्मा ही जानता है, कम से कम मैंने तो नहीं दिया है। गर्भवती महिलाओं को मैं कहूँगा, आप सूर्य ग्रहण को देखिए, अगर आप चश्मा लगाकर सावधानी से देखें, चंद्र ग्रहण को भी देखिए, मन में कोई भय पैदा मत करिए, किसी तरह का तनाव मत पालिए, और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप भोजन करिए, क्योंकि बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, या जो लोग बिना खाए नहीं रह सकते, वो भैया ना खाएं, वो खा लें, उनको खाने की कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर आप उतने समय तक, चूंकि उतने समय तक फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बन सकती है या डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, अगर आप रुक जाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप खा लेंगे तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी, कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी दुनिया में कि आपने खा लिया तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। इसका पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है। इसलिए महिला हो या पुरुष हो, सबके ऊपर सूर्य ग्रहण का बराबर असर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि देखोगे तो बुरा होगा, अगर वो ना सोचें कि बुरा होगा, मन में कॉन्फिडेंस बनाए रखें, तो उनके ऊपर भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जी पानी जी, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि हमेशा से हमने सूर्य ग्रहण के नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा सुने हैं, यही सुने हैं कि ये विनाश लाता है, नुकसान लाता है, तो क्या कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिसके बारे में हम अनजान हैं? आपको लगता है कि कोई फ़ायदा भी होता है इसके आने से या सिर्फ नुकसान ही होता है, डराया जाता है? बहुत सही बात है। देखो मल्लिका, सबसे पहली बात ये है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव जैसे हमको देखना होता है कि किसके ऊपर कैसा पड़ेगा, तो उसका तरीका ज्योतिष में ये है कि हम अलग अलग राशियों के साथ देखते हैं कि सूर्य की पोजीशन कैसी होती है, किस राशि के लिए सूर्य कितना फेवरेबल होता है, उस आधार पर हम बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण अच्छा होगा या बुरा होगा अगले 15 दिनों तक। लेकिन हर राशि के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता, किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए बहुत बुरा, तो कुछ लोगों के लिए तो अच्छा होता ही है। दूसरी बात, ग्रहण काल में बहुत स्पष्ट बात समझ लीजिए कि ग्रहण काल में अगर आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की संयुक्त ऊर्जा के समय में अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मंत्र का जप करते हैं या वास्तव में ध्यान करते हैं, तो आपको उसके बेहतरीन फायदे मिल सकते हैं जो केवल ग्रहण में ही संभव है। प्राचीन समय में ग्रहण काल में जो गुरु हुआ करते थे, वास्तव वाले गुरु, गुरु घंटाल नहीं, जो वास्तव के गुरु होते थे, वो उस समय में अपने शिष्यों को दीक्षा देते थे और उन्हें मंत्र जप करने का तरीका बताते थे। वो इसलिए बताते थे कि ग्रहण काल में अगर मंत्र का जप करोगे या दीक्षा पाओगे तो उस ऊर्जा के साथ मंत्र मिलेगा तो उसके फायदे ज्यादा होंगे। तो ग्रहण काल में बहुत सारे फायदे भी होते हैं। और अगर हम 12 राशियों की बात करें तो जो 11 तारीख को ग्रहण लग रहा है वो 12 राशियों में सबके लिए बुरा नहीं है, कुछ के लिए बहुत अच्छा है, कुछ के लिए मध्यम है और कुछ के लिए गड़बड़ है। थोड़ी सावधानी रखेंगे तो ये समय भी बीत जाएगा। ठीक है, तो एक पांडे जी, तीन एंकर, ये प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस पेस से हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी उस पेस पर हम लगातार बने हुए हैं। हमारा जो कोशिश है, हमारी जो मंशा है इस प्रोग्राम की, देखिए हमारी मंशा समझे, हमारी मंशा ये है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम तरह की बातें पिछले 15 दिन में जो आपने पढ़ी सुनी कही उसमें तेज अपना इनपुट ये डालना चाहता है कि हम ये कहते हैं कि अगर आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, ज्योतिष का एक ही मूल जो नियम है वो ये है कि ज्योतिष आपका भविष्य नहीं बदल सकता, हाँ भविष्य में आपको एक गाइड दे सकता है क्योंकि आपका भविष्य आपके कर्म ही तय करेंगे, आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा ईश्वर है, वही आपका आने वाला भविष्य तय करेगा, लेकिन ज्योतिष आपको गाइड कर सकता है। लेकिन गाइड करने के बहाने क्या ये डराया या भ्रांतियां तो नहीं फैलाई जा रही, यही तेज के इस प्रोग्राम की कोशिश है। इसीलिए आज हमारे सवाल अलहदा है, अलग है, क्योंकि ये सवाल आम आदमी के जहन में उठ रहे सवालों से जुड़े हुए हैं। तो सूर्य ग्रहण को लेकर जो कि कल है और शनि अमावस्या भी है कल कहा यह जा रहा है, तो उसको लेकर आपके मन में जो सवाल है, जो डर पैदा करते हैं उसको लेकर एक सवाल पांडे जी मेरा भी है। सूर्य ग्रहण पर पूजा करिए कहा जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं। पहले तो ये समझना होगा कि मंदिर की जो मूर्तियां होती हैं वो साधारण मूर्तियां नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें भगवान रहते हैं या नहीं रहते हैं,
लेकिन ये जाने रहिए कि जो मंदिर की मूर्तियां होती हैं उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, विशेष तरह से ऊर्जा उनके अंदर डाली जाती है और वो ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। इसीलिए जब आप मंदिर में जाके पवित्र मन से सर झुकाते हैं तो आपको उनसे ऊर्जा मिलती है, आपको फायदा होता है। सारा खेल मंदिर की मूर्तियों का जो है वो ऊर्जा का है, एनर्जी प्रिंसिपल है। शिवलिंग में केवल एक पत्थर होता है वो भी एनर्जी देता है, और कहीं कहीं पर तराशी गई मूर्तियां होती हैं वो भी एनर्जी देती हैं, क्योंकि उसको एनर्जी सहने लायक बनाया गया होता है। अब जब कोई ग्रहण लगता है तो उसमें निगेटिव एनर्जी के आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा तो चंद्रमा के लिए संकट का समय होगा, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। अगर अमावस्या पर ग्रहण लगा तो सूर्य के लिए संकट का समय होगा, एनर्जी नहीं आएगी। इसीलिए आप देखिए मंदिरों में ऊपर गुंबद नुकीले बनाए जाते हैं ताकि उस नुकीले हिस्से से होती हुई एनर्जी मंदिर में चारों तरफ फैल सके। कोई भी मंदिर ऊपर से चपटा बनाया जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो एनर्जी खींच नहीं सकेगा फिर। खैर, तो मंदिरों को इसलिए बंद कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर निगेटिव एनर्जी का प्रवेश ना हो, देवी देवताओं को ढक दिया जाता है और मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन देवी देवता केवल मंदिर में तो नहीं रहते, देवी देवता हर जगह व्याप्त हैं। आपके घर में जो पूजा का स्थान है वहां भी देवी देवता हैं, और वहां पर आमतौर पर लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, सामान्य रूप से ला करके रख देते हैं। तो अगर आप अपने घर में पूजा करना चाहें, या बिना देवी देवता के सामने बैठे हुए आकाश के सामने बैठ के पूजा करना चाहें, या कहीं भी पूजा करना चाहें, तो उसकी मनाही नहीं है। पट केवल मंदिरों के बंद होते हैं, घर के मंदिर में आप आराम से पूजा कर सकते हैं। जी पंडित जी, एक पंडित जी, तीन एंकर और सवाल कई सारे हैं, वक्त बहुत कम है। सवाल दरअसल आप ही के ही हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो आप सब जानना चाहते होंगे। इसी से सूर्य ग्रहण से जुड़ा ही एक और सवाल यहाँ पर, जो कि बहुत अहम भी है, कि वो ये है कि शनि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है, कल पड़ रहा है, और मैंने ये पढ़ा था कि शनि और सूर्य तो दुश्मन है बाप बेटे होने के बावजूद, तो क्या कल पिता पुत्र झगड़ेंगे? देखो, एक बात बता दूं कि भारतीय ज्योतिष में इन वारों का कोई मतलब नहीं है। हम कहते जरूर हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, लेकिन भारतीय ज्योतिष में वार का कोई मतलब नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तब आया जब अंग्रेज इस देश में आ गए। हमारे परंपरा में तिथियों का मतलब होता है, एकादशी, अमावस्या, द्वितीया, तृतीया। इसीलिए जो हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं वो तिथियों पर मनाए जाते हैं, वार पर नहीं। तो शनि अमावस्या तो एक सुविधा की अमावस्या है कि हाँ भाई शनि अमावस्या है, शनिवार का दिन है, अमावस्या की तिथि है, पूजा कर लो। वैसे अमावस्या पर पूजा करने में हर्ज नहीं है, लेकिन शनिवार का मतलब, शनिवार का जो क्रिएशन है भारत में वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 साल पुराना होगा, और तिथियों का जो क्रिएशन है वो महाभारत काल से चला आ रहा है। इसलिए शनि वार के वजह से कुछ असर पड़ने वाला है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अमावस्या है तो ग्रहण लगेगा और पिता पुत्र बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे, ये चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। और पंडित जी, इसी के साथ एक और सवाल है, इसी से ही जुड़ता है, कि पिता पुत्र की बात आपने बता दी कि कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन बाकी संबंधों पर क्या असर पड़ेगा ये भी आप बता दीजिए। देखो, जिसके जीवन में सूर्य का जैसा रोल होगा ना, उसके उस संबंध पर असर पड़ेगा। मान लिया किसी की कुंडली में या किसी के जीवन में सूर्य उसके संतान को रिप्रेजेंट करता है, उसके संतान पक्ष को देखता है या संतान पक्ष का मालिक है, ऐसी दशा में अगर सूर्य की गड़बड़ी हो गई या सूर्य की गड़बड़ी होने की संभावना बन गई, तो उसके साथ हो सकता है कि पुत्र के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए या पुत्र के साथ संबंध खराब हो जाए। अगर सूर्य माता का मालिक हो गया किसी कुंडली में तो माता वाले पार्ट में दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ग्रहण का प्रभाव 15-20 दिन से ज़्यादा होता ही नहीं है, इसीलिए कोई भी प्रभाव है ये क्षणिक है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। इसलिए अगर ये प्रभाव होता है तो थोड़ी सी सावधानियां रख करके आप इस समस्याओं से बहुत आसानी से बच सकते हैं। जैसा कुमकुम कह रही थी कि सावधान रहना है आपको, थोड़े सुरक्षा के उपाय करने हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। जी, और पंडित जी ऐसा कहते हैं ना कि मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते, तो आपको लगता है कि उन लोगों पर भी असर होता होगा या नहीं होता? देखो, मानने से नहीं होगा, ना मानने से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चीनी मीठी है, एक चम्मच मीठी चीनी है, आप कहिए कि मैं तो मानता हूँ ये नमक है, तब भी वो टेस्ट में चीनी ही दिखाई देगी। सूर्य का प्रभाव होता है, जरूर होता है, आपके जीवन पर पड़ता है। ये बात जरूर है कि जो लोग इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते वो इनके बाद घटने वाली घटनाओं को भी स्वीकार नहीं करते।
कि भैया कोई घटना घटी तो कहेंगे अच्छा ठीक है बरसात का मौसम है, पानी बरस गया, क्या फर्क पड़ता है, ये तो बरसता ही है, बाढ़ आती है, भारत का मामला है, हर चार साल में बाढ़ आ जाती है, ये कहने वाली बात है। लेकिन असर उनके ऊपर भी पड़ेगा जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। मतलब पांडे जी माफ कीजिएगा मैं टोक रही हूँ आपको, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी आप बात बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि जो नहीं मानते उन पर भी असर पड़ता है। अरे जो लोग ज्योतिष ही नहीं मानते, जो लोग जिन पर जहां सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां अलग तरह की मान्यताएं हैं, वहां तो लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको, वहां वहां वो लोग वो सब कुछ खाएंगे जो कि आप जनरली भी लोगों को मना करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल खाने के लिए मना नहीं करते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि उससे खाने पीने में दिक्कतें हो सकती हैं, एक संभावना, ज्योतिष एक संभावनाओं का शास्त्र है, वो कहता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उन पर भी असर पड़ेगा जो कि नहीं मानते, नहीं मानते तो पूरे आधा की आधी दुनिया तो देखेगी इस पर, वो हमारी दुनिया नहीं है, वो अलग तरह के लोग हैं, वहाँ अलग तरह की संस्कृति। चंद्र ग्रहण भारत में पड़ा 27 तारीख को, उसके अगले दिन ही भूकंप आ गया, वो कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, नैरोबी में या नामीबिया में कहीं भूकंप आया था, वो कहते हैं कि हम तो नहीं मानते चंद्र ग्रहण। भूकंप तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के अलावा भी आता है, आता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए समय पर उसके थोड़े से आगे या थोड़े से बाद में जल से समस्या और भूकंप आने की समस्या, ज्वालामुखी पटने की समस्या। अब आप डरा रहे हैं, डरने का सवाल नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से नेचर पर पड़ता है, क्योंकि सूर्य सबसे पहले प्रकृति को प्रभावित करेगा, उसके बाद आपको प्रभावित करेगा, डरिए नहीं। सिर्फ ये कहना है कि भैया अगर सूर्य ग्रहण थोड़े भी निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, जैसे कह रहा है कि अगर जल से दिक्कत हो सकती है तो जिन जिन इलाकों में जल से दिक्कत है वहां सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। अब आप कहिए कि ठीक है पंडित तो बकवास ही बोल रहे हैं, आएगा तो देख लेंगे, तो फिर देखते रहिएगा। सर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो आज जल से दिक्कत तो आधे हिंदुस्तान में हो रही है एक महीने से, अब केरल में ढाई महीने से मॉनसून ने कहर बरपा रखा है, तो इसमें चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या करेगा? बिल्कुल असर है, उसके पहले भी जो ग्रहीय स्थिति थी बहुत स्पष्ट रूप से मौसम विज्ञान की ज्योतिष की पुस्तक कहती है कि जब धनु राशि में शनि होता है तो देश के आधे हिस्से में अकाल पड़ता है और देश के आधे हिस्से में जल प्रलय आ जाता है। धनु का शनि मैंने तो प्लेस किया नहीं है और न ये पुस्तक मैंने लिखी है, लेकिन धनु का शनि इस साल शुरू में ही आया था, तभी हमने कहा था कि शनि जब धनु राशि में है इस साल तो इस साल जल से बहुत जगह पे समस्या आएगी और बहुत जगहों पर अकाल जैसी संभावना बन जाएंगी। उसमें भी सोने पे सुहागा ये हुआ कि बैक टू बैक ग्रहण आ गए, 13 जुलाई को सूर्य ग्रहण, 27 जुलाई को चंद्र ग्रहण, फिर 11 अगस्त को सूर्य ग्रहण। तो ये ग्रहणों का जो सीरीज है ना, ये इशारा कर रहा है कि प्रकृति के साथ छेड़खानी करना अच्छा नहीं है। जी पानी जी, देखते हैं हम जब ग्रहण लगता है तो तमाम तरह के शोज हर चैनल पर दिखाए जाते हैं जहाँ पर ज्योतिषाचार्य बता रहे होते हैं, उपाय सुझाए जाते हैं कि किस तरह से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जा सकता है, उसका आधार क्या होता है, आपको क्या लगता है कि किस आधार पर उपाय बताए? ठीक है, इस सवाल पर हम आएंगे मलिका, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन जी मेरठ से, पता नहीं हर्षवर्धन जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं, मेरठ से पूछिए हर्षवर्धन जी अपना सवाल। हाँ नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार हर्षवर्धन जी, बताइए। एक पूर्व अनुभव है मेरा, पूर्व ग्रहण से पहले ताजा खाना बना, उसके पश्चात जब वो निकाला गया खाने के लिए उसमें कीड़े देखे, तो इसका क्या मतलब है, कीड़े कैसे आ गए? देखो ऐसा है ना कि सूर्य ग्रहण के दौरान या चंद्र ग्रहण के दौरान जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो दूषित हो जाती है, इसीलिए अगर आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन करते हैं तो पेट के खराब होने की या डाइजेस्टिव सिस्टम के बिगड़ने की संभावना बनती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण निगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करते हैं। जहां तक कीड़ों का सवाल है, आपके वायुमंडल में भी छोटे छोटे बैक्टीरिया हर समय तैरते रहते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान उन्हें एक सटीक समय मिल जाता है जब वो डेवलप कर जाते हैं और उस डेवलपमेंट की वजह से वो खाने को खराब कर सकते हैं। हर मामले में करें, ये जरूरी नहीं है पांडे जी, लेकिन हो सकता है कि खाना खुला छूट गया हो, दाल ठीक से ना बिनी हो, मतलब ये तो अजीब सी बात नहीं है? ऐसा हो सकता है, लेकिन खाने के खराब होने की या भोजन के गड़बड़ होने की संभावना बनती है, इसीलिए एंटीबायोटिक चीज का इस्तेमाल करने को कहा गया कि भैया अगर खाना ही है तो आप एंटीबैक्टीरियल चीज का इस्तेमाल करिए, आप भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, तुलसी का पत्ता एंटीबायोटिक है, वो निगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है। ठीक है पांडे जी, एक दर्शक हमारे साथ और जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वाति जी पूछिए, महोबा से फोन कर रही है। हेलो जी स्वाति जी, सवाल पूछिए जी, प्लीज पूछिए सवाल अपना जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं
दिखाई देगा, तो क्या इसका राशियों पर प्रभाव पड़ेगा? राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, देखो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए आपको किसी सूतक के नियम के पालन करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के सावधानी की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की चिंता नहीं करनी है, किसी तरह का डर नहीं पैदा करना है। लेकिन सूर्य तो प्रभावित होगा ना, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर इसका अलग अलग असर पड़ेगा, और सारे व्यक्तियों के असर को देखने के लिए मोटे तौर से राशियों को देखा जाता है। 12 तरह के व्यक्ति हमने मोटे तौर से ज्योतिष में समझे हैं, और 12 कैटेगरी की जो राशियां होती हैं उस पर इसका अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन ये सावधानियों की बात है कि आपको अगले 15-20 दिन में किस तरह की सावधानियों का पालन करना है, डरना नहीं है 1% भी। ठीक है ज्योतिष आचार्य जी शैलेंद्र पांडे जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। और जो मंशा थी सवालों की, दरअसल आम आदमी के जहन के सवाल थे और आपके ज्ञान पर सवाल उठाने की बिल्कुल मंशा नहीं थी। अगर ऐसा कुछ हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा। खैर कोशिश हमने यही की कि आम आदमी के हम सवाल उठाएं, क्योंकि देखिए कल सूर्य ग्रहण है, तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जाएंगी। ऐसे कई लोग आपके आपके साथ, आपके समाज, आपके परिवार में होंगे जो कि तमाम तरह के नियम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के जरिए। अगर आपने पूरा प्रोग्राम देखा होगा, आपके पास उन बेमतलब की बातों का जवाब होगा अब, और आप उनसे कह सकेंगे कि मैं डरूंगा नहीं, हाँ मैं कुछ चीजें हैं जो कि मैं करूंगा जिससे कि मेरा ही फायदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ।